हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लूप में एक सिरामिक इंजीनियर हूँ। जैसा चैनल का नाम है सिंपली अबाउट द टाइल्स, तो हमेशा कोशिश रहेगा सिंपल वे में आपको टाइलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में टेरेसेस के ऊपर कौन सा टाइलों को लगाना सुटेबल रहेगा उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूंगा। इसमें मैं आपको दो तरीके के टेरेस के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। एक तो अपना जो क्लोज टेरेस होता है, क्लोज टेरेस मतलब जो भी हम लोगों का बेडरूम के साथ या तो हॉल के साथ जो अटैच टेरेसेस होते हैं, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर होता नहीं, वहां पर कौन सा टाइल उनको लगाना सुटेबल रहेगा। और सेकेंड, खासकर काफी लोग मुझे पूछते हैं फ्रेंड्स कि ओपन टेरेसेस सिरे में मतलब छत के ऊपर, जहां पर डायरेक्टली जो टाइल्स रहेंगे वहां पर डायरेक्ट सनलाइट को वहां पर एक्सपोजर हुआ रहता है, तो दोनों जगह पर दोनों टेरेसेस पे कौन सा टाइलों को लगाना टेक्निकली सुटेबल रहेगा, कौन सा टाइलों का कॉस्टिंग क्या रहेगा, कौन सा साइजेस को यूज करना सही रहेगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं फ्रेंड्स, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो बनाऊं तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। अगर मैं क्लोज टेरेसेस की बात करूंगा फ्रेंड्स, तो क्लोज टेरेसेस मतलब आपका जो भी टेरेस हॉल के साथ या तो बेडरूम के साथ जो अटैच हुआ रहता है, वहां पर आपका बेस्ट ऑप्शन, अगर मैं टाइल की ऑप्शन बताऊंगा तो सिरामिक टाइल है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली अगर मैं साइजेस की अगर मैं बात करूंगा तो क्लोज टेरेसेस का साइजेस जनरली जो होता है 10 फीट बाय 4 फीट है, तो 10 फीट बाय 6 फीट है, तो 10 फीट बाय 8 फीट का जनरली, अगर मैं बहुत बड़ा अगर टेरेसेस की भी बात करूंगा तो जनरली ये साइजेस में आपका क्लोज टेरेसेस आपको मिलेगा। इसमें होता क्या फ्रेंड्स, अगर आपको टेरेसेस के ऊपर अगर आप दो चार अगर चेयर रख देंगे और एक टेबल रख देंगे तो मोस्ट ऑफ द एरिया जो है कवर हो जाता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा हैवी फुटफॉल भी होता नहीं, तो सिरामिक टाइल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा क्लोज टेरेसेस के लिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सिरामिक टाइल जो है काफी ज्यादा एक्सपेंस भी होता नहीं है, स्ट्रेंथ वाइज भी काफी अच्छा रहता है, और खासकर अगर मैं डिजाइन वाइज बताऊंगा फ्रेंड्स तो ये नंबर ऑफ डिजाइन आप यहाँ पर वीडियो में भी देख सकते हो फ्रेंड्स। मैंने काफी जगह पर ये टाइलों को सप्लाई किया था। अगर मैं सिर्फ वुडन फिनिश की अगर मैं सिरामिक टाइलों की बात करूंगा तो आपको मोर देन 100 वुडन टाइप के अलग अलग टाइप के डिजाइन आपको मिल जाएगा। मोजेक काइंड ऑफ अगर मैं बात करूंगा तो मोजेक मोजेक टाइप में आपको अलग अलग स्पेनिश लुक में आपको टाइलें मिल जाएगा। आपको प्लेन सीरीज से लेकर आपको अलग अलग एन नंबर ऑफ आपको डिजाइन ऑप्शन में आपको सिरामिक टाइलें जो मार्केट में मिलेगा। सेकेंड अगर मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, तो देखिए सुटेबल साइजेस की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आपका बहुत ज्यादा टेरेसेस बड़ा नहीं है, अगर वहां पर बहुत ज्यादा कटिंग का पोर्शन आने वाला है, तो वहां पर साइजेस की बात करूंगा तो आपको 1 फीट बाय 1 फीट और आपको 16 बाय 16 आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपका टेरेसेस का अगर साइज आपका 10 फीट बाय 6 फीट है, तो 10 फीट बाय 8 फीट का फ्रेंड्स अगर रहेगा तो आप वहां पर 2 फीट बाय 2 फीट के टाइलों को आप बिल्कुल लगा सकते हो। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव टाइलों की लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि टेरेसेस में बहुत ज्यादा हैवी फुटफॉल होता नहीं है, तो मेंटेनेंस पर्पस में आपको लगाना है तो सिरामिक टाइले बहुत ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका क्लोज टेरेसेस ऑप्शन के लिए। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, तो देखिए 1 फीट बाय 1 फीट की अगर मैं सिरामिक टाइलों की बात करूंगा तो आपको 250 रुपये से लेकर आपको 300 रुपये में मिल जाएगा। 16 बाय 16 की अगर मैं बात करूंगा तो 350 से आपको 400 रुपये के बीच में मिलेगा, और 2 फीट बाय 2 फीट की अगर मैं बात करूंगा फ्रेंड्स तो 550 से लेकर आपको 650 रुपये पर बॉक्स में आपको आराम से अच्छे ब्रांडेड में आपको जो सिरामिक टाइल है आपको मार्केट में मिल जाएगा। प्राइसिंग जो है फ्रेंड्स आपको ब्रांड टू ब्रांड और लोकेशन वाइज थोड़ा बहुत वेरी होने का चांसेस रहेगा। सेकेंड, अगर मैं ओपन टेरेसेस की अगर मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, तो देखिए ओपन टेरेसेस जो होता है, ओपन टेरेसेस वो होता है जहां पर आपका डायरेक्ट सनलाइट आता है, जैसे कि आपका छत के ऊपर। काफी लोग मुझे चीजें पूछते हैं फ्रेंड्स के, खासकर जहां पर भी सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर है वहां पर कौन सा टाइल लगाना है करके। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं ऑप्शन की अगर मैं बात करूंगा तो छत के ऊपर अगर आप चाहे तो ग्रेनाइट का जो टुकड़ा रहता है, जो पीसेस आपको मार्केट में मिलेगा, आप उसको लगा सकते हो, या तो मार्बल का जो टुकड़ा जो आपको वहां पर जो वेस्टेज में आपको टन के हिसाब से किलो के हिसाब में जो मिलेगा स्क्रैप, आप उसको लगा सकते हो।
देखिए मैं आपको एक ऑप्शन तो बहुत मिलेगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको ड्यूरेबल, आपको बेस्ट ऑप्शन, सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा जो आपको मिनिमम 25-30 साल तक आपको लगाने के बाद कोई टेंशन नहीं चाहिए, तो मैं उसका ऑप्शन का मैं बताऊंगा। वहां पर जहां पर भी आपको ओपन टेरेस है वहां पर आपको बेस्ट ऑप्शन, अगर मैं टाइल की बात करूंगा तो फुल बॉडी विट्रीफेटल सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर आपको मैं टाइल दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पर एक व्हाइट कलर की टाइल दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फुल बॉडी का मतलब क्या होता है कि अगर आप टाइलों को देखोगे थ्रू आउट द बॉडी टोटली आपको सिंगल कलर में आपको मिलेगा। इसका एडवांटेजेस क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जब भी हम लोग अगर ओपन एरिया में जहां पर भी सन का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है वहां पर अगर हम लोग ग्लेस टाइल को, जैसे कि पीजीवीटी हो गया, जीवीटी हो गया, तो सिरामिक टाइलों को अगर लगाएंगे तो उसमें बाय द टाइम ग्लेजिंग की वजह से उसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में धूप के वजह से उसमें कलर निकलने का, तो कलर में डलने साने का हमेशा चांसेस रहेगा, भले आप कोई भी कंपनी के ब्रांडेड टाइल में जाइए। सेकेंड, अगर हम लोग ग्लॉसी टाइलों को, जैसे कि नैनो टाइल हो गया, डबल चार्ज टाइलों को अगर हम लोग लगाने के लिए जाएंगे तो ग्लॉसी टाइल होता है, तो जनरली ग्लॉसी टाइलों को प्रिफर किया नहीं जाता है ओपन टेरेस सिरे में, क्योंकि अगर बारिश वगैरह पड़ जाता है तो बहुत ज्यादा स्किडी होने का चांसेस होता है, तो वहां पर आपका ग्लॉसी टाइलों को प्रिफर किया नहीं जाता है। फुल बॉडी की जैसे मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको, फुल बॉडी में जो टाइलों का थ्रू आउट द बॉडी अगर 10 mm का है, 12 mm का टाइल है, जितना भी mm का अगर थिकनेस का टाइल रहेगा तो थ्रू आउट द बॉडी एक ही कलर होता है, तो उसमें कुछ ऊपर से कोई अप्लीकेशन किया नहीं जाता है, तो पूरा सिंगल बॉडी में आपका सेम कलर होता है, तो भले उसमें कितना भी उसमें टेम्परेचर, उसमें कितना भी उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर हो जाए, तो बारिश पड़े, तो उसमें कभी भी कलर डिम होने का, तो कलर निकलने का कभी चांस ही नहीं होता है, क्योंकि थ्रू आउट द बॉडी वो सिंगल कलर में ही होता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइलों में। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको डिजाइन भी दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर फुल बॉडी की अगर मैं बात करूंगा तो आपको अलग अलग सरफेस फिनिश में भी मिलेगा, आपको हल्का सा ग्लॉसी में मिलेगा, लेकिन आप टाइलों को, ग्लॉसी टाइलों को प्रिफर मत करिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको मैट में मिलेगा और आपको रस्टिक फिनिश में मिलेगा। मैट और रस्टिक फिनिश सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स, अगर स्ट्रेंथ वाइज की भी अगर मैं बात करूंगा तो विट्रीफाइड टाइल, जो फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल होता है, बहुत ही ज्यादा हाईली ड्यूरेबल होता है, और आपको मिनिमम 25 से 30 साल तक आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, कभी कलर नहीं जाएगा, ना ही टाइलों में किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल का किसी भी तरीके का इफेक्ट टाइलों के ऊपर पड़ेगा नहीं। जब भी इसमें एक आपको एक एडिशन में आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, देखिए जब भी ओपन टेरेसेस में अगर आप टाइलों को लगाना चाहते हो तो हमेशा एक बात को ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वहां पर मिनिमम 3 mm का स्पेसर्स को लगा कर टाइलों को लगाइए, क्योंकि विट्रीफाइड टाइलों में जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, मॉइस्चर और थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब जब भी टेम्परेचर चेंजेस हो जाएगा तो टाइलों में थोड़ा बॉडी एक्सपेंड करने का चांसेस होता है, तो जहां पर बॉडी एक्सपेंड होने का चांसेस होते हैं वहां पर हमेशा स्पेसर्स को लगाना हमेशा कंपलसरी होता है, क्योंकि बॉडी में एक्सपेंड हो गया तो स्पेसर्स लगाने की वजह से उसको स्पेस मिलता है, तो जनरली क्या टाइलें एक दूसरे के साथ पुल करके क्रैक होने का चांसेस नहीं होता है, तो जब भी आप ओपन टेरेसेस के लिए टाइलों को लगाओगे तो कंपलसरी उसमें एक 3 mm का, तो 4 mm, 5 mm का स्पेसेस लगाकर ही आप टाइलों को आप वहां पर लगाइए, दिखने भी काफी आपको सुंदर दिखेगा। अगर मैं कलर ऑप्शन में अगर मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, तो आपको देखिए फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइलों में काफी एन नंबर ऑफ कलर्स आपको मिल जाएगा, काफी बड़े बड़े ब्रांड में आपको फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स मिलेगा। साइजेस की अगर मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, तो देखिए 2 फीट बाय 2 फीट का जनरली आपको 550 से लेकर आपको 750, 850 पर बॉक्स के बीच में आपको मिलेगा, और 2 फीट बाय 4 फीट की बताऊंगा फ्रेंड्स तो 850 रुपये से लेकर आपको 1200-1300 रुपये के बीच में भी मिल जाएगा। 32-32 की अगर मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, तो आपको 32-32 का जो साइज है आपको 750 से लेकर अगेन आपको 1200 के बीच में, डिपेंड अपॉन द कंपनी, डिपेंड अपॉन द लोकेशन, आपको जो टाइले आपको मार्केट में मिलेगा। फुल बॉडी में आपको काफी नंबर ऑफ इम्पोर्टेड कंपनीज में भी आपको मिलेगा फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा बेस्ट टेक्सचर में मिलेगा, इवन आपको थिकनेस में भी आपको अलग अलग मिलेगा, आपको 10 mm का थिकनेस में मिलेगा, 12 mm के थिकनेस में मिलेगा, 16 mm के थिकनेस में मिलेगा, आपको इवन 6 mm का पतला टाइल भी आपको मिलेगा, आप वो भी फुल बॉडी टाइल लोगों का बिल्कुल आप ओपन टेरेसेस में आप लगा सकते हो। कोशिश किया फ्रेंड्स आपको ओपन टेरेसेस में और आपको क्लोज टेरेसेस में कौन सा टाइल लोगों को लगाना सुटेबल रहेगा करके,
अगर आपका कुछ भी क्वारीज है फ्रेंड्स, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए, आपका जो भी क्वारीज रहेगा उसका सोल्यूशन देने के लिए कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।